choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to Age of Khonshu. तो ये Age of Khonshu का आखिरी एपिसोड है, लेकिन Avengers का नहीं। अब तक कहानी में आपने देखा होगा Egyptian Moon God Khonshu को एक बहुत ही डरावने फ्यूचर का विजन आता है जहां Mephisto राज कर रहा है। इसीलिए Moon Knight उस फ्यूचर को होने से रोकने की कोशिश करता है। उसने अपने पुराने साथियों Avengers के ऊपर हमला किया, उनकी पावर्स चुराई, उनका यूज करके Mephisto को मारा और इस वर्ल्ड को बदल दिया जहाँ पे Khonshu इसका राजा है। वहीं Avengers एक Starbrand बच्चे को बचाते हुए इन सब का विरोध कर रहे हैं। और जब ब्लैक पैंथर Moon Knight के ऊपर हावी होने लगता है तब Moon Knight एक उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज से प्रार्थना करता है और अब वो कॉस्मिक फोर्स द फिनिक्स का नया होस्ट बन चुका है। कैप्टन मार्वल Starbrand को रोकने की कोशिश कर रही है। सच ही कहते हैं कि बच्चे इतने शैतान क्यों होते हैं, वापस आ जाओ बेबी ब्रांड। लेकिन Starbrand को रोक पाना कैप्टन मार्वल के हाथ में भी नहीं है। हालांकि Starbrand जोरों से चमक रही है। ये देखकर Khonshu ने कहा, डैम Starbrand, मूनलाइट तुमसे भी ज्यादा चमकनी चाहिए। तभी आयरनमैन Khonshu के ऊपर हमला करता है। उसने कहा, ये बच्चा एक सूरज की तरह रोशनी दे रहा है, इसीलिए स्टारलाइट मून गॉड को कमजोर कर रही है, यही हमारा मौका है। लेकिन Khonshu आयरनमैन का नाक फोड़ता है और उसने कहा, नहीं, मेरे पास अब भी इतनी पावर है कि तुम सारे एवेंजर्स मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मिलियन ईयर का सुपर मून आ चुका है, ये जो Khonshu हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। तभी फिस्ट और फिनिक्स वहां आता है। वो Khonshu से कहता है, Khonshu, तुम डेविल का सामना करना चाहते हो, देन गो टू हेल। वो Khonshu को एक जोरदार पंच करता है जिससे Khonshu दूर जाकर गिरा। आयरनमैन कहता है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे, अब इसके पास फिनिक्स फोर्स भी आ चुकी है। Moon Knight ने कहा, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया Avengers, अब नहीं, इस स्टार चाइल्ड को दूर ले जाओ, मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे नुकसान जरूर पहुँचाना चाहती है। तभी आयरनमैन अपने सारे हथियार बाहर निकाल लेते हैं। उसने कहा, ठीक है, फिनिक्स को छोड़ दो और चले जाओ, वरना इन मिलियन डॉलर्स हथियारों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन Moon Knight उन तीनों के ऊपर हमला करता है और चिल्लाया, मैंने कहा जाओ। वो अपने मन में कहता है, हमारे गॉड्स वो करते हैं जैसा हम उन्हें करने के लिए कहते हैं, लेकिन मुझे Khonshu नहीं चाहिए, मुझे कोई भी पुराना गॉड नहीं चाहिए, मैं Moon Knight हूँ, द फिस्ट ऑफ फिनिक्स, और अब ये मेरा युग है। लेकिन इस हैमर से थंडर निकल रहा है और वो सारे मून जो अब तक थंडर गॉड थोर को कैद कर रहे थे उनके अंदर भी दरार पड़ने लगती है। न्यू थेब शहर, Khonshu सीधा आकर अपने मेन पिरामिड में गिरा। प्रीस ने उसे बताया कि एवेंजर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं। Khonshu कहते हैं, वो Moon Knight, उसने हमें धोखा दिया, क्या वो लोग ये नहीं देख पा रहे कि मैं इस वर्ल्ड को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब Mephisto का काम है, हर एक चीज को खुला छोड़ दो, नाइट टेम्पल्स की पूरी पावर का यूज करो, Khonshu के हर एक सेवक, ममीज, मून प्रिस्ट और वेयरवॉल्फ गार्ड को आजाद कर दो, हम इस प्लांट को बंजर कर डालेंगे और फिर से शुरुआत करेंगे, या फिर कुछ मिलियन सालों की शांति का मजा लेंगे। द ब्लैक पैंथर कह रहा है, ओ कोई, मैं तचाला बात कर रहा हूँ, Khonshu ने अपने पिरामिड के डिफेंसेस को चालू कर दिया है, मदद करो। Khonshu ने कहा, मैं तुम्हारी स्पिद्दी सी पावर को तुम्हारी लाश से बाहर निकालूंगा। ब्लैक पैंथर कहता है, हर एक पावर ऐसी नहीं होती जिसे चुराया जा सके, मैं जनरेशन की आंखों से देखता हूँ और मेरे खून के अंदर 5000 राजा रानियों की स्पिरिट बह रही है, हालांकि फिर भी मैं एक इंसान ही हूँ, द मैन ऑफ वकांडा, तुम्हारे लिए इतना ही काफी होगा। Khonshu कहता है, पावर ऑफ वेंजेंस और उसकी हेल चार्जर के खिलाफ तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं वेंजेंस का ट्रू गॉड हूँ, मैं दिलों पे राज करता हूँ। Khonshu घोस्ट राइडर के गुस्से को यूज करने के लिए ही पैदा हुआ है और ये मून गवाह है कि मैं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को अर्थ पे इस तरीके से छोड़ूंगा कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही Khonshu हेल चार्जर के अंदर घुसने की कोशिश करता है उसका हाथ वहीं के वहीं जकड़ लिया गया, वो भी हेल चार्जर के द्वारा, क्योंकि रॉबी वहां पहुंच चुका था। वो कहता है, अच्छा ये पावर, ये तो काफी दर्द देती है ना, लेकिन तब उससे भी ज्यादा दर्द होगा जब मैं तुम्हारे अंदर से पावर छीन लूंगा, इसलिए मैं अपनी हेल चार्जर को वापस लेने आया हूँ। ब्लैक पैंथर ने कहा, हम सारी पावर्स वापस लेंगे, हर एक वो पावर जो तुमने चुराई है। रॉबी रेस, मेरे साथ रहो। फिर T'Challa कहने लगता है, आयरन फिस्ट ऑफ कोनलोन, अपने पुराने साथी की पुकार को सुनो, मिस्टिक आर्ट्स ऑफ सोर्सर सुप्रीम, अपने पुराने साथी की पुकार को सुनो। तो गाइस वो सारे क्रोस ब्लैक पैंथर की तरफ बढ़ने लगते हैं जबकि Khonshu का हाथ अब भी कार के अंदर फंसा हुआ है। तभी रॉबी अपनी पावर वापस हासिल करता है और उसने Khonshu के ऊपर एक पावरफुल अटैक किया। पिरामिड के बाहर कैप्टन अमेरिका Khonshu की सेना से पूछ रहा है, ब्लैक पैंथर कहाँ है, तुमने मेरे दोस्त को कहाँ कैद कर रखा है,
ब्लेड कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये ममीज और वेयरवुल्फ बात कर सकते हैं। कैप्टन अमेरिका ने कहा, उनके पास हाथ तो हैं, वो इशारा तो कर ही सकते हैं ना, कहाँ कैद कर रखा है। तब एक मम्मी इशारा करती है। कैप्टन अमेरिका ने कहा, तचाला अवेंजर्स तुम्हें बचाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन अंदर जाकर उन्होंने देखा कि ब्लैक पैंथर खुद बाहर की तरफ आ रहा था। ब्लेड ने कहा, लगता है इसे अपने आप को ही बचा लिया। ब्लैक पैंथर कहता है, अच्छा है तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आया हूँ। बाहर ममीज हल्के ऊपर चिपटी हुई है। ब्लैक पैंथर ने कहा, इनका गॉड हार चुका है, लेकिन जब तक मून नाइट रहेगी तब तक उसकी सेना लड़ती रहेगी वो चीज पाने के लिए जो इन्होंने खोई है। कैप्टन ने पूछा, और इन्होंने क्या खोया है? ब्लैक पैंथर इनको क्रॉस दिखाता है, ये खोए हैं, इनकी अच्छे से देखभाल करना एवेंजर्स, और इनका अच्छे से इस्तेमाल भी करना, जैसे कि अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज को करना चाहिए। तो गाइस, शी हल्क आयरन फिस्ट की पावर का यूज कर रही है, द आयरन हल्क के रूप में, और ब्लेड सोर्सर सुप्रीम की पावर का यूज करता है। मून नाइट सोच रहे हैं, सूरज झुक चुका है, अवेंजर्स असेंबल हो चुके हैं, मून गॉड हार चुका है, और आसमान के अंदर गड़गड़ाहट हो रही है। लेकिन मुझे अपने अंदर सिर्फ आग सुनाई दे रही है, वो महान कॉस्मिक आग जो मेरे अंदर फटती जा रही है। क्या हो अगर मैं इस आग को बाहर आने दूं? क्या हो अगर मैं यहाँ से इस पूरी अर्थ का विनाश कर दूं, इसे एक ग्रेट मून ऑफ फायर बना दूं? क्या हो अगर मैं इस इंसानियत जैसे कीड़े को मार डालूं और उनकी आग से एक नए युग की शुरुआत होगी? मैं उसका हीरो बनूंगा, मैं इस वर्ल्ड को बचाऊंगा इसी आग में झोंक कर। तो गाइस, मून नाइट ये सब सोच ही रहा है कि हैमर अपने ट्रू गॉड की तरफ चल पड़ता है। वो हर एक वार के साथ उन मोन्स को तोड़ रहा है जहाँ थंडर गॉड कैद है। जबकि मून नाइट ये सोचता है, मैं इस पूरे वर्ल्ड को एक भट्टी में कन्वर्ट कर दूंगा, भगवान मेरी मदद करे, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, मैंने तबाही चुनी है। और तब मुझे अपने मन में रियलाइज हुआ कि मैं सच में पागल हो चुका हूँ, मुझे ये पावर चाहिए थी ताकि मैं अपने गॉड को हरा सकूं, लेकिन मैं फिनिक्स नहीं हूँ और ये डार्क मून नाइट का युग नहीं है, मेरे पास सिर्फ डार्कनेस की स्पेल है, इसलिए मैं सूरज को फिर से चालू कर रहा हूँ और अपने पुराने वाले पागलपन को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम है मार्क स्पेक्टर, मैं सफ़ेद पहनता हूँ, इसलिए बुरे लोग मुझे आता हुआ देख लेंगे, और इसलिए मैं हमेशा अपने अंदर की सच्चाई को पहचान पाऊंगा, फिर चाहे वो रात कितने ही काली क्यों ना हो। तभी उन मून्स को तोड़ता हुआ थंडर गॉड बाहर निकला। उसने कहा, नाइट्स ऑफ मून, तुमने आल फादर थोर के हैमर की डिसरिस्पेक्ट की है, और अब यही मून रॉक का हैमर तुम्हारे थोपड़े की डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो गाइस, पूरी अर्थ के ऊपर सूरज की रोशनी फैलने लगी। हेल चार्जर के ऊपर बंदावा खोंसु कह रहा है, वो डेविल तुम सबको मार डालेगा, हर एक डेविल तुम में से हर एक का सामना करेगा, मैं फेल हो गया और मैं एक गॉड हूँ, तुम्हारी पूरी प्रजाति से भी पुराना हूँ, फिर तुम लोग उसे कैसे रोक लोगे? ब्लैक पैंथर कहता है, तुम फेल हो गए खोंसु, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो गॉड्स को भी उनकी गलती की याद दिलाते हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है अर्थ के नाम पे, अवेंजर्स तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। उधर मून नाइट फिर से अर्थ पे गिर चुका है, वो सोच रहे हैं, लो हो गया, मैं अब फिर से एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक इंसान जिसका कोई गॉड नहीं है, लेकिन उसकी काफी सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। मुझे अब भी वो सारे विजन्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ मेफिस्टो फ्यूचर के अंदर राज करता है। एज ऑफ खोंशु उसे नहीं रोक पाई, शायद फिनिक्स उसे रोक ले। तो गाइस, फिनिक्स मून नाइट को छोड़कर अपने अगले होस्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ता है, द मून, एक्स मैन का समर हाउस। जीन ग्रे कहती है, क्या तुम्हें भी वो महसूस हुआ? अंदर से किसी ने कहा, हाँ, एक आग की तरह मेरी हड्डियों के अंदर। जीन ग्रे कहती है, वो यहाँ इस बार मेरे लिए नहीं आया है, वो किसी नई, किसी अलग चीज को खोजने के लिए आ रहा है, उसका नाम बुलाया जाएगा। अंदर से उसी आदमी ने कहा, बिल्कुल जेनी, और फिर ये उन्हें खा जाएगा, उनको अंदर से फाड़ डालेगा जैसा कि हमेशा करता आया है, लेकिन उससे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। जीने ने कहा, मैं वहाँ नहीं जा सकती, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसे रोक पाओगे? तो गाइस, ये वुल्वरिन था, उसने कहा, तुम्हें कारण चाहिए? मेरे पास बहुत सारे कारण हैं, मेरे पास 6-6 कारण हैं। तो गाइस, एज ऑफ खोंशु तो खत्म हो गई, क्या इसके बाद एज ऑफ फिनिक्स शुरू होगी? ये आपको नवंबर में ही पता चलेगा, क्योंकि इसका अगला एपिसोड नवंबर के अंदर रिलीज होगा। फिर भी कुछ लोगों के समझ में बात नहीं आती, वो ये सोचते हैं कि मैं जानबूझकर नहीं डाल रहा। खैर, क्या ही कर सकते हैं, एम करते हैं 1500 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।